मैं अपनी होश में नहीं हूं गाइस। अगर कुछ गलत बोल दिया तो मुझे गलत मत समझ लेना। भाई क्या था ये? ओ भाई क्या था ये? पहले मैं ये कहूंगा, जिसने भी ये ट्रेलर को गलत समझा, गलत बोला, नेगेटिव बोला ना, मैं अपने हाथों से उसकी वीडियो को डिसलाइक करूंगा, उसकी चैनल को पूरा रिपोर्ट मारूंगा। मैं बोल रहा हूं, ये फिल्म भाई 3.5 घंटा नहीं 4 घंटा चलेगा तो भी ऑडियंस वहां पे बैठ के देखते ही रहेंगे, एंजॉय करते ही रहेंगे। भाई साहब क्या दिखा रहे हैं ये लोग, क्या है इसमें यार? ओ गॉड, क्या ट्रेलर है भाई साहब, क्या ट्रेलर है, क्या ट्रेलर है। और रणबीर कपूर, ओ गॉड क्या एक्टिंग है भाई, क्या एक्टिंग है। लंबे वाल वाले जो 3-4 ठो जो शॉट होते हैं, जो चल के आते हैं, एक पूरा ऐसे पूरा खून से लखपत, ऐसे जो हाथ को फैला करके एक बाइक में जो एंट्री होता है, ऐसी कारें तानते हुए, वो पहला वाला डायलॉग्स जो चिल्ला के बोलते हैं, सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। ओ गॉड क्या कर रहा है बंदा यार। बॉलीवुड वाले क्या कर रहे थे तुम? साउथ का डायरेक्टर आकर के दिखा दिया उसकी टैलेंट को। ओ गॉड क्या क्या ट्रेलर है भाई साहब। बाप बेटे की प्यार को इस कदर दिखाएंगे, इतनी वायलेंट तरीके से, इतनी वायलेंट तरीके से। देखो मुझे संदीप रेड्डी वांगा जी का स्टेटमेंट मुझे याद है, कबीर सिंह का, अर्जुन रेड्डी का, वो कैरेक्टर कुछ भी नहीं था, वायलेंट कैरेक्टर क्या है, असली में एनिमल मूवी में दिखाऊंगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और लिटरली दिख रहा है भाई, लिटरली दिख रहा है, जो कैरेक्टर रिवील हो रहा है ना, जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं रणबीर कपूर के जरिए, होश उड़ा देगा भाई साहब, होश उड़ा देगा। ये देखो 3.5 मिनट का ट्रेलर था, ट्रेलर के तौर पे बहुत लंबा ट्रेलर था, लेकिन भाई कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको, कब खत्म हो गया, कब ये हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना जबरदस्त ट्रेलर। तो फिल्म भी बकायदा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं आपको इस फिल्म के बारे में जब भी बात किया हूं, हमेशा दो चीजें कहा हूं, एक तो है वायलेंट और दूसरा है इमोशनल। ट्रेलर में कूट कूट के भरा है भाई, कूट कूट के भरा है, इतना जबरदस्त वायलेंट, इतना जबरदस्त इमोशन। ओ गॉड बीजीएम, पहले तो डायलॉग चलता है, जिस तरह का डायलॉग डिलीवरी चलता है रणबीर कपूर का, बड़ा ही मजा आता है, और अंदर ही अंदर फील होता है कि भाई तहलका होगा, बम फटेगा, बी केयरफुल, और फटता ही है, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं बोल करके। और इसके बाद जो बीजीएम गूंजता है ना, होश उड़ा देता है, होश उड़ा देता है भाई साहब। लंबे हेयर में अच्छे लगते हो तो मैं फिर से बढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर बीजीएम शुरू हो जाता है, क्या बीजीएम है। उसके बाद जब रणबीर कपूर जब फिर से घर लौटते हैं, उसके बाद जो इमोशनल बीजीएम बजता है, ओ गॉड, जब क्या नाम है उनका, सुरेश ओबराय, सुरेश ओबराय जी को जब गले लगाते हैं, ओह भाई ये फिल्म बहुत ही ग्रैंड लेवल पे जाने वाली है, ग्रैंड लेवल पे जाने वाली है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं यार, अगर कोई कोई भी सोच रहे हो कि ये फिल्म अच्छा नहीं होगा, ये फिल्म मुझे नहीं देखना है, पहले रिव्यू देखना है फिर फिल्म देखना है, भाई आप गलत हो। अब बेशक 1 दिसंबर को जाकर के थिएटर में बैठ जाओ और फिल्म को देखो यार, 3.5 घंटे आपको गुजबम दे जाएंगे, इतना जबरदस्त। देखो मैं आपको एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा, रणबीर कपूर शुरू से लेकर के अंत तक एकदम से वायलेंट, इमोशन, अपनी एक्टिंग हर तरह से जितते आते हैं, जितते आते हैं, लेकिन बाद में जब बिना डायलॉग्स बोले बॉबी देओल का एंट्री होता है, भाई बंदा टीजर में भी कुछ सेकंड निकल करके ना पूरा का पूरा 2.5 मिनट के टीजर को खा लिया था, बिल्कुल वैसा ही अभी चंद सेकंड के एक्टिंग, चंद सेकंड के उनकी वायलेंट, उनकी रुतबे, उनकी रुद्र अवतार के साथ, उनके एक्शन के साथ पूरा का पूरा 3.5 मिनट, 3.5 मिनट की रणबीर कपूर की एक्टिंग वायलेंट को खा लेता है। बॉबी देओल को बहुत लोग ट्रोल करते हैं, मुझे पता है बहुत लोग ट्रोल करते हैं, बॉबी देओल एक अच्छा एक्टर नहीं है, अच्छा फिल्म नहीं बनाया, बहुत आप देखे देख रहे होंगे बॉबी देओल को बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा ये किया जाता है, लेकिन आप जाकर के देखो एनिमल में बॉबी देओल की असली एक्टिंग देखने को मिलेगा, क्या जबरदस्त। लास्ट में हीरो की रुतबे को दिखाया जाता है, हर एक ट्रेलर टीजर में आप देखे होंगे हीरो की रुतबे को दिखाया जाता है, लेकिन भाई साहब एनिमल में विलन की रुतबे को दिखाया गया है, हीरो को धोली साध कर दिया है, सिगारे तान रहा है सो करके उसके ऊपर, क्या ट्रेलर है भाई, क्या ट्रेलर है, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। सच में यार बाप बेटे की इमोशन तो एक बहाना है, इस फिल्म में असली खजाना वायलेंट और इमोशन है,
जो कि हर तरफ से हमें देखने को मिलेगा, और फिल्म बाप लेवल पे जाने वाली है, बाप लेवल पे जाने वाली है। और उसका एक्शन देखो, जिस तरह से गोला बारूद, जिस तरह से एक्शन हो रहा है ना, किसी भी चीज को, चाहे फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिले, यूए सर्टिफिकेट मिले, यू सर्टिफिकेट मिले, जो भी सर्टिफिकेट मिले, मुझे जो दिखाना है वो तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ये है संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन, जो कि फिल्म में चाहिए। और वायलेंट फिल्म है तो वायलेंट तो भर के ही रहेगा, चाहे जो भी हो, और दिख रहा है ट्रेलर में भाई साहब, बाप लेवल की ट्रेलर है। अगर कोई किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा भी उंगली उठाएगा ना, मैं खुद जाकर के डिसलाइक मारूंगा उसकी वीडियो को, मैं चैलेंज करता हूं। इतना जबरदस्त, मेरा दिल को छू लिया भाई साहब, एकदम से उतर गया मेरे शरीर के साथ, खून खून में समा गया ये ट्रेलर। सच में इतना जबरदस्त ट्रेलर है ये। संदीप रेड्डी वांगा मान गए गुरु, आपकी हर एक फिल्म का इंतजार रहेगा, अभी जैसे एसएस राजामौली सर का फिल्म का इंतजार रहता है। मान गए आपको, आपकी डायरेक्शन की, आपकी 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 ये कहानी की, सारा का सारा चीज मान गए, मान गए। सच में भाई एनिमल मूवी फाड़ डालेगा, लिटरली फाड़ डालेगा। फर्स्ट दिसंबर एकदम से तहलका वाला डेट है एनिमल मूवी के लिए। भाई साहब जा करके आप रिव्यू का इंतजार मत करना, पहला शो चले जाना। ये मेरे आप सभी को मेरे लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। इतना जबरदस्त ट्रेलर है ये, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैं क्या आपको बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको। अभी तो जा करके कितनी बार मैं देखने वाला हूं मुझे भी नहीं पता। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। क्या पूछ रहा हूं यार, गलत तो बोल के देखो, अगर गलत बोलोगे ना तो आप हेटर्स हो यार। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डीपली मैं बात कभी नहीं करता हूँ, आज पहली बार कर रहा हूँ। ये ट्रेलर को अगर कोई गलत बोल देगा ना तो वो हेटर है, वो हेटर है संदीप रेड्डी वांगा का, वो हेटर है रणबीर कपूर का, वो हेटर है अच्छी फिल्मों का, इंडियन सिनेमा का। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त ट्रेलर है ये। इस ट्रेलर को मैं रेटिंग नहीं करूंगा, ये ट्रेलर रेटिंग करने का मेरा औकात नहीं है। मैं इतना जबर बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, लिटरली खतरनाक। ओके, कमेंट करना फिर भी आपको कितनी लेवल तक घुसबम मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।